विधायक हमार के पितृपाठ पूरे इस क्षेत्र को खाए जा रहा है। विधायक हमार के पितृपाठ न तो खाते है न सुनाते है, अपना पास नाते आए हैं कि खेती के बाद खेती है। बता दिया अपने आदमी भगवान आए उनका बता दिया विधायक हमार के पितृपाठ दुनिया लूटे खाते है या लाठी चला देंगे बता दिया मोदी के अपने आदमी आई जी। अब हो गया निधान है। नमस्कार, विराट 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं एक ऐसे भ्रष्टाचार की खबर लेकर जिसमें विधायक और विधायक के पिता पर जहां भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप है, वहीं एक ऐसा साक्ष्य भी मिला है जिसमें आरोप सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। दरअसल मामला सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के रंगौली का है, जहां के पूर्व सरपंच वीरभद्र सिंह ने जिला पंचायत सीईओ को 20 बिंदुओं की जांच की मांग की थी। लंबे समय से शिकायत भी की जाती रही और अधिकारियों से फरियाद भी की जाती रही कि सिरमौर जनपद पंचायत के रंगौली ग्राम पंचायत की वृद्ध अनपढ़ आदिवासी सरपंच के कंधे में बंदूक रखकर विधायक के चहेते शासकीय राशि से अपनी तिजोरी भर रहे हैं। लेकिन सत्ता के सामने घुटने टेके अधिकारियों ने एक नहीं सुनी। शिकायतकर्ता वीरभद्र सिंह ने उक्त शिकायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल बांधेवे के पास की तो फॉर्मेलिटी के लिए एक जांच टीम जरूर गठित की गई है। जांच टीम सोमवार की सुबह जांच करने रंगौली पहुंची, लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह कि जांच टीम का स्वागत सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के पिता कमलापति त्रिपाठी ने किया और साथ में ले जाकर उन्हीं भ्रष्टाचारियों के घर पर चाय नाश्ता कराया जिनके खिलाफ जांच टीम गांव पहुंची थी और औपचारिक जांच करते हुए खानापूर्ति कर ली गई। खानापूर्ति करे ना तो करें क्या, विधायक केपी त्रिपाठी का बर्ताव आपने पहले भी देखा है। जनपद सीईओ सिरमौर ने नाफरमानी की थी तो जान जाते जाते बची। इस जांच में तो भ्रष्टाचारियों को बचाने विधायक केपी त्रिपाठी के पिता सामने बैठे थे, कैसे हिम्मत होती कि दोषियों के खिलाफ जांच रिपोर्ट दे दें। विधायक केपी त्रिपाठी के पिता भ्रष्टाचारियों को अपना व्यक्ति बताते हुए किस तरह से खानापूर्ति करवा रहे हैं, यह देखने वाली बात है। पहले हम आपको उक्त वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे पूरी आगे की कहानी। बता दिया मोदी के अपने आदमी आई। इसकी अपना कहीं बैठ नहीं पाने लग गया आदमी बता दिया मोदी के अपने आदमी आई। हाँ, तो सुना आपने, ये घर भ्रष्टाचारी रोजगार सचिव आशीष और सरपंच प्रतिनिधि सज्जन सिंह के रिश्तेदार का है, जहां बैठे हैं विधायक केपी त्रिपाठी के पिता और जांच करने वाली पहुंची टीम निखिल मिश्रा एसडीओ रायपुर कंचोलियान, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले इंजीनियर राजेश पांडे और इसी भ्रष्टाचार में काम कराने वाले केपी मिश्रा, जिनको विधायक केपी त्रिपाठी के पिता निर्देश दे रहे हैं कि बता देना अपने ही आदमी है। अब आपको बताते हैं कि किन बिंदुओं पर जांच टीम जांच करने पहुंची थी।
दरअसल सिरमौर जनपद क्षेत्र के रंगोली ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच वीरभद्र सिंह ने शिकायत की थी कि उनके ग्राम पंचायत में पीसीसी रोड सुग्रीव सिंह के घर तक का कार्य गुणवत्ता पूर्वक नहीं किया गया है। सीमेंट कहीं नहीं दिख रही है। पीसीसी रोड पंचायत भवन से स्कूल तक 50 मीटर बनी और पैसा 500 मीटर का निकला, जिसकी जांच की जाए क्योंकि गुणवत्ता विहीन है और लंबाई भी कम है। इतना ही नहीं, संजय सिंह को फोटोकॉपी का भुगतान 20,310 रुपए किया गया है जो कि फर्जी है। पीसीसी रोड रामकृपाल के घर से भूरा साकेत के घर तक बनाई गई, वो पूरी तरह से उखड़ गई है। पीसीसी रोड खपटिहा स्कूल से शास्त्री के घर तक 190 मीटर का भुगतान हुआ पर निर्माण कम है और उखड़ भी गई है, इसकी राशि वसूल की जाए। कोरोना के नाम पर शासन के आदेशों के विपरीत लाखों रुपए निकाले गए। इतना ही नहीं, 16 मई 2021 को हैंडपंप मरम्मत तथा सामान के नाम पर 46,350 रुपए निकाले गए, जबकि किसी भी हैंडपंप में एक नट नहीं लगाया गया। 26,500 मोटर पंप, मोटर वाइंडिंग केबल स्टार्टर पर खर्च किए गए जो कि फर्जी है क्योंकि नल जल योजना चालू है और काम ही नहीं हुआ। इसी तरह से पीसीसी निर्माण जयराम तिवारी के घर से लक्ष्मी प्रसाद के घर तक पीसीसी मेन रोड में राकेश सिंह के घर की ओर गुणवत्ता अत्यधिक खराब है, जांच की मांग की गई है। चबूतरा निर्माण पीसीसी निर्माण विनोद कोल के घर से जयलाल कोल के घर की ओर सिर्फ कागजों में बनी है। कुल मिलाकर जितने भी पंचायत के कार्य हुए सिर्फ कागजों पर और उनका भुगतान हुआ विधायक के चहेते सिद्धार्थ शुक्ला और सिद्धू के साथ अन्य के खातों में, जिनके कारण विगत दिनों विधायक के पी त्रिपाठी ने सीईओ को धमकी दी और इन्हीं के ऊपर गुंडों ने सीईओ के ऊपर हमला किया था, जो अभी भी सलाखों के पीछे हैं। आइए पहले आपको सुनाते हैं शिकायतकर्ता को, जिसे सुनकर आप अनुमान लगा लेंगे कि जनता के विकास के नाम पर किस तरह से विधायक विधायक के चंगू मंगू पूरे शासन की योजनाओं का बंदरबाट कर रहे हैं और बिना संकोच किए भरी सभाओं में जिन हरिजन आदिवासियों की उत्थान की बात करते आए हैं, हाथ उठाकर जयकारा लगाते हैं उसी वृद्ध दलित अनपढ़ धोखिया के साथ। इतना बड़ा धोखा किया कि अब उसके जेल जाने की नौबत आ चुकी है। का नाम है अपना के? हमारा नाम वीरभद्र सिंह। एक कैसन जांच आज अपना के पंचायत मरगोली में चलत रही? ये धोखिया अनपढ़ सरपंच रही जी, आदिवासी महिला अनपढ़ बुढ़ी, ओका केवल खाए भारी का देते रहे, बाकी ओकर अंगूठा दस्तखत सब लगाए के को। यह आशीष सिंह सज्जन सिंह, रोजगार सहायक। का नाम है रोजगार सहायक के? आशीष सिंह। सज्जन सिंह कौन? सज्जन सिंह मोहन के सेक्रेटरी प्रतिनिधि बने रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि जी। अपना एम शिकायत करता हूँ ये? हाँ, अगर शिकायत हम की न कौन में से घोटाला कहे हैं, कौन में से गड़बड़ी कहे हैं पंचायत में? रोड में घोटाला कहे हैं, तालाब में घोटाला कहे हैं, तालाब में काम ही नहीं हुआ है और राशि निकाल ली, निकाल ली। आंगनबाड़ी में कोई काम नहीं हुआ है, उसका पैसा निकाल लिए हैं। आज जो जांच करने वाले आए थे तो कैसा बिहेवियर रहा, कैसा? जांच तो केवल फॉर्मेलिटी है, तो शायद आप लोगों ने देखा कि विधायक के पिताजी माननीय सिमरिया विधायक के पिताजी जांच अधिकारियों को साथ ले आए हैं और वीडियो भी दिखाएंगे कि वो वीरभद्र सिंह कांग्रेसी है, इनका काम नहीं होना चाहिए। तो जांच तो पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। बड़ी मुश्किल है कि एक क्षेत्र का विधायक पंचायत में कुछ नहीं, केवल यहाँ चोरी, कितने की छेरी चली गई, कितने के भैंस चली गई, कितने के सब कुछ चले गए, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। जो पंचायत से कमीशन नहीं जाता है उस पंचायत में माननीय विधायक जी यही करते हैं। अब बताइए कि एक साधारण पंचायत कौन से विधायक? विधायक सिमरिया केपी त्रिपाठी जी, उनके आतंक से यहाँ की सारी पंचायत सिमरिया विधानसभा के करीब करीब 50% पंचायत प्रभावित है। आज 8/7/2022 को ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है, आज तक मेरे पंचायत का कमीशन के चलते खाता नहीं खुलने पा रहा है। हरिजन प्रजापति महिला सरपंच है, केवल उसके ऊपर ये दबाव कि खाता नहीं खुलेगा तो मजबूरन हमको लूटने को मिलेगा और मजबूरन हमसे खाता खुलवाएगी तो हमको लूटने को यहाँ पर्याप्त मिलेगा। हम 20 बिंदुवन में जांच माननीय सीओ साहब जिला रीवा के यहाँ प्रस्तुत किए थे,
जो कि राजनीतिक और क्षेत्रीय विधायक के दबाव में आकर जांच में लीपापोती करके वो चले गए हैं, और जांच में तो आप देखे रहे थे कि उसका रोजगार साइन के राकेश और उसका सारा परिवार, फिर लगता था कि लाठी चला देंगे, किसी को कुछ बोलने नहीं दे रहे। क्या लगता है आपको कितने मतलब कितने रुपए तक घोटाला किए होंगे पंचायत में? पंचायत में करोड़ों रुपए का घोटाला है ग्राम पंचायत रगौली में। और जो पूर्व सरपंच थे तो इन्हीं के आदमी थे क्या? हाँ, वो दुखिया आदिवासी सरपंची यही करते थे। जी हाँ, यही करते थे सज्जन सिंह और रोजगार सहाय आशीष। और इसको वित्तीय प्रभार भी था? वित्तीय प्रभार था। और आप पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं यहाँ से? हम यहाँ से पूर्व सरपंच 2005 से 2015 तक जी हम सरपंच थे, और हमारी सरपंच 2015 में भी जीती थी रामबाई आदिवासी जी, जिसको इन्होंने यही राजनीतिक दबाव देकर और उसको 10 जनवरी 2015 को रिकाउंटिंग करा के और उसको हरवा दिए। पिछले दौर भाई ये लोगों का काम है। हम जब सरपंच थे तो यही राजनीतिक, उसमें हमारा खाता नहीं खुलने दिया, ना कोई ग्राम पंचायत का हम काम किए, ये केवल लूटने के लिए। एक परिवार पूरे इस क्षेत्र को खाए जा रहा है, और विधायक जी का संरक्षण, विधायक को हो इनसे चोरी से मतलब है कि हमारी चोरी कहाँ छिपेगी। तो जैन विधायक हो वो उसके यहाँ डेरा डाल देते हैं, यही इनका काम है। स्कूल में है तो इनके घर की शिक्षिका है श्रीमती सुनीता सिंह, वो यहाँ की प्रिंसिपल, प्रभारी प्रिंसिपल बनी हुई है। गल्ला का, कोटा का वो जो शैलेंद्र सिंह है, इसी का रोजगार सहायक से चेहरा भाई है, वो खाद्यान्न बांटने काम करता है, और 30 किलो में 20 किलो देता है, कोई सुनने वाला गरीबों का नहीं है। और वो कोटा के ये पहले शराब बनाते थे और पत्ती तोड़ते थे, आज ये रायबरेली में, रीवा में कई प्लाट, रगौली में घर अलीशान देखे हैं, ट्रैक्टर तो केवल चोरी इनका काम है। इनका ट्रैक्टर, 3-4 ट्रैक्टर हैं इनके, फोर व्हीलर है, तो इनके पैसा कहाँ से आया? आज से अधिक संपत्ति, आज से अधिक है, कहाँ से आयोजित किए? एक सेलमैन, स्कूल का मध्यान्ह भोजन है तो यही खा रहे हैं। स्कूल में कभी मध्यान्ह भोजन न कभी टाइम से खुलती स्कूल, तो केवल शराब ग्रह है। और इसमें एक और मामला, आपने जो स्टेटमेंट निकलवाया था पासबुक में, उसमें के जो सीओ कांड के अपराधी हैं सिद्धू, उनके उनके खाते में भी पेमेंट किया गया है रगौली पंचायत से, ये कैसा जो ट्रांजैक्शन हुआ था? जो हम बैंक से स्टेटमेंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिरमौर से, शाखा सिरमौर से निकाले हैं, उसमें स्टेटमेंट में 4/11/2016 को सिद्धू सिंह के नाम, सिद्धू शुक्ला के नाम से बैंक में स्टेटमेंट में बता रहा है कि उनको पेमेंट किया गया, उनको पेमेंट किया गया है 3,90,000। जो ए सीओ कांड के आरोपी भी हैं अभी वर्तमान में जेल में भी हैं सीओ कांड के, तो उनको यहाँ से पैसे डाले गए, वेंडर बनाया गया उनको फर्जी तरीके से, और अधिकतर पैसा माननीय विधायक जी के चहेतों के खाते से मटेरियल के नाम पर दिया गया है। अपने भाई के नाम, और अपने भाई अतुल सिंह रोजगार सहाय, अपने सगे भाई अतुल सिंह के, ठीक लगा 7/9/2016 का, 7/9/2016 को अतुल सिंह के नाम 4,20,000 रुपये का इसने सीधे पंचायत के खाते से अपने भाई के खाते में ट्रांसफ़र किया है।
सुना आपने, ये है वीरभद्र सिंह जो पूर्व सरपंच हैं। उन्होंने बताया कि 2005 से 2015 तक सरपंची की, इसके बाद इन्हीं के सपोर्ट से मुन्नी सरपंच बनी, लेकिन 10 जुलाई को रिकाउंटिंग कराकर उसे पराजित करवाया गया और फिर शुरू हुआ भ्रष्टाचार। पंचायत में भ्रष्टाचार का यह खेल लगातार जारी है, जिसमें एक अनपढ़ सरपंच के कंधे में बंदूक रखकर लगातार सचिव आशीष सिंह और सरपंच प्रतिनिधि संजय सिंह ने अपनी और अपने आका की तिजोरी भरी और सारी हदें पार कर दी। जिन्हें बचाने विधायक के पिता पहुंचे हैं, इस कार्यकाल में अब वर्तमान सरपंच का खाता नहीं खुलने दिया जा रहा है। अब आपको सुनाते हैं ग्राम पंचायत रंगोली के जिन आदिवासियों, जिन निवासियों, जिनके द्वारा विधायक और विधायक के चंगू मंगुओं की काली करतूत को उजागर किया जा रहा है। इसके बाद दिखाएंगे करोड़ों के घोटाले के बावजूद सरपंच की दयनीय स्थिति और किस तरह से जांच को प्रभावित किया गया है, और जांच अधिकारियों की करतूत भी आपको बताएंगे। का नाम है अपना? हमारा नाम अमृत सिंह है जी। आज हमारे ग्राम पंचायत रंगौली में जिला सीओ द्वारा टीम गठित कर ग्राम पंचायत रंगौली में हुए विकास कार्य जो हुए थे पूर्व सरपंच दुखिया आदिवासी के टाइम में, वो कामों की जांच करने के लिए आरईएस के सीओ निखिल मिश्रा जी आए थे और एसडीओ केपी मिश्रा जी थे और सब इंजीनियर पांडे जी थे, राजेश पांडे जी थे, जिन्होंने आज जांच सुबह 10 बजे आके रंगौली में जांच की है, जिसमें ग्राम पंचायत रंगौली में सुग्रीम सिंह की रोड जो नापी गई थी, जो वो रोड में गुणवत्ता विहीन थी, रोड की पूरी रुखड़ चुकी थी, तो वो रोडों की नपाई पूरी नहीं निकली और पीसीसी रोड पंचायत भवन की जो थी उसकी पूरी रोड नहीं निकली और पुष्पेन सिंह के निजी प्राइवेट में रोड बनाई गई और राकेश सिंह के घर के लिए निजी एक घर के लिए प्राइवेट रोड बनाई गई और यहाँ राम कृपाल साकेत से भूरा साकेत घर तक जो रोड बनी थी पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन थी, रोड में गिट्टी थी ही नहीं, जिसके हमारे पास वीडियो और फोटोज भी हैं। सीओ सर से हमने बोला कि इसकी नाप कर लीजिए, तो बोले कि नाप रिकॉर्ड में है तो क्या नाप करने की ज़रूरत है, और बोले कि खपटिया से शास्त्री सिंह के जो घर की शास्त्री के घर तक जो रोड थी उसकी लंबाई 150 मीटर नापने में लिखी, लेकिन आरईएस के एसडीओ साहब जो थे उसको 190 मीटर ही लिखे कागज़ पर, और 23/5/2022 को ग्राम पंचायत रंगौली में आंगनबाड़ी मुकुंदा के नाम से पैसा निकाला गया जिसमें 1,24,000 रुपये, लेकिन उसमें बोले कि ये जांच हमको नहीं मिली है, इसका हम जांच नहीं करेंगे, काम नहीं हुआ उसमें, तो उसका काम नहीं हुआ है। और तालाब वाले में जो आवास नहीं बनाए गए थे उसको ले जाके पहले ही जांच करा ली गई वर्तमान सरपंच के अनुपस्थिति में, और जहां जहां रोजगार सहायक बताता था वहां जो घर गिरे थे उसको नहीं दिखाया गया। सीधा सा मतलब ये है कि जो ये जांच अधिकारी आए थे उनका व्यवहार कैसा था? वो व्यवहार उनका एक तरफा था, क्योंकि जब पुष्पेंद्र सिंह के घर में रोड की नाप करने के लिए पहुंचे तो वहां माननीय श्री विधायक केपी त्रिपाठी जी के पिताजी थे, जिसके हमारे पास वीडियो भी है, उसमें यह उसके सब इंजीनियर जो हैं पांडे जी कमल भान सिंह हिनौता और कमल भान सिंह हिनौता थे और विधायक जी के पिताजी, और जो ये जांच की टीम के थे ये सब साथ में बैठ के ही डिस्कशन कर रहे थे, और वहां से निकलने के बाद इनका जांच करने का पूरा तरीका ही बदल गया। कौन नाम है अपना के? राजकुमार सिंह। ये कैसा आज जांच अपना के ग्राम पंचायत रगौली में रही? ग्राम पंचायत में ऐसा जांच रही है जी कि बहुत लूटे हैं। को लूटे हैं? ये रहे सरपंच लोक सिक्योरिटी जी, बहुत बड़ा घोटाला इनमें चल रहा है जी। केके शहर में ये चल रहा है सिक्योरिटी के? सिक्योरिटी का नाम है उनका? अनूप सिंह, आशीष सिंह नाम जी हाँ। रोजगार सहायक है? रोजगार सहायक है। तो कैसन घोटाला गए? लगभग कितने के कहे हुई है? कहे हैं 2 करोड़ के। दो करोड़ के रगौली पंचायत में? रगौली पंचायत में जी हाँ। आदमी कहीं देख के कम रहा थे, उससे बोले नहीं ना, अब कुछ होता नहीं रहा थे। आज सर से मार रहे थे, हाथ में ताड़ी दे थे कि मानो हमारा कई लहजम कर खोई था। एम ए मतलब धमकी दे थे? हाँ, एम ए की धमकी दे थे। कहा चाहे थे? अब हम खेते में रहे ना, जब हमसे ताड़ी मारे गए रहे कि जांच आई नहीं गया सिरमौर, हम कहे सिरमौर जाए कहे कुछ करी, लेकिन हमसे जाके बोला था कि हाँ वाह हम करवा ले जो करवावे कोई, हाथ में ताड़ी मारी ना मेरे चलेगी। चैलेंज कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे। के दम में इतनी चुनौती में दे रहे? केपी के? केपी को आई? केपी में भगवान आई उनका विधायक।
इतना बड़ा तांडव मचाए हैं सिमरिया? तांडव का वो महाभारत कहे हैं, भाईसी चोरी कह रहे, छेरी चोरी कह रहे, सब टेपिंग होकर बाबत को आकर बाबत इन्हें के माध्यम सब करवा रहे हैं, इन्हें के माध्यम से, इन्हें के माध्यम से इन बेच रहे हैं, सब कर रहे हैं। आज जांच रुकवामे खितर उनके एक और आबत है यहाँ, उनके यहाँ बैठ रहे हैं, उनका बाप आए रहे हैं। का नाम है? नाम तो अपना ना मालूम, हम बाप के नाम नहीं जाने चाह, पर उनका पिताजी आए रहे हैं ना। बाकी लुटेर आइया ना चाहे कि दुनिया लूटे खाते आइया सब कही रहे, ये हमको ना चाहिए बिल्कुल जी। पंचायत के खाता खुलना चाहिए, काम होना चाहिए बस, खा चुके जितना खाना था, लेकिन अब हमको पंचायत हमारी सही बन गई है, जो पंच सरपंच हो गए हैं, तो हमको काम चाहिए बस। तो उसका खाता भी नहीं खुलने, खाता भी नहीं खुलने देते हैं, मानो इतना बड़ा भूसा, इतना बड़ा वो चल रहा कि घपला की क्या बताएं, प्रजातंत्र की हत्या, सब चीज कुल मिला के बहुत अत्याचार हो रहा है। क्या नाम है अपना के? हमारा नाम हीरा सिंह। कौन ग्राम पंचायत में आवे? ग्राम पंचायत रंगोली। कैसन भी यहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है? यहाँ भ्रष्टाचार हो गया, मान ले कि चलते आया 5 साल से जी, ये हो गया सब। हमारे विधायक जी हैं तो हो गया, कुछ हो तो विधायक जी नागा के साथ है चला थे। कौन विधायक जी? विधायक हमारे के पी त्रिपाठी जी हैं, सिमरिया विधानसभा जी जी। कौन मेयर से घोटाला यहाँ कहे हैं, कुछ बता पाऊँ अपना? यहाँ घोटाला हो गया, मान ले कि तालाब माँ काम उम नहीं भावकर पैसा निकल गया, रोड 50 मीटर बनी ही ओखर 500 मीटर के पैसा निकल गया, और या जो अपना के आवास आवा या आवास के अपने गुट बालन के, तो मतलब मान ले कि 100 कई के उनकर बनवा दिन घर, बाकी जे उनकर थोड़ा वोट वोट नहीं दे रहे हैं तो उनकर सूची दबा के अभी तक रख दी, नबुआ सूची ओपन हो रही है। जी हाँ। का चाहिए थे अपना प्रशासन से? का चाहिए प्रशासन से? हम यह चाहते कि जौन मतलब कि जांच आई है तो वह जांच ढंग से हो चाहिए जी, अब पंचायत के खाता खुला चाहिए, पंचायत काम करवावे से 5 साल जौन उल्टा सीधा हूँ कि चुनाव जीते तो वहाँ अपन जौन मन मर्जी भाग की है, अब जौन सरपंच आवाज जीत है वर्तमान टाइम में तो वह सरपंच अपन अपने हिसाब से काम करे, तो उकर खाता तो नहीं खुले नहीं, तो खाता नहीं खुले दें तो उकर खाता आप जेके अधिकारी हो या उकर बिल्कुल सुनिश्चित कह के खुलवा में। धन्यवाद। का नाम है अपना के? नीरेश प्रताप सिंह। कैसन जांच आज अपना के ग्राम पंचायत रंगौली में रही? ग्राम पंचायत रंगौली में भ्रष्टाचार की जाँच रही है जी, ये सब पैसा रुपया कहा लेने आई, 6-6 महीना 7-7 महीना के रोड बनाया है, सब उखड़ गए, कहाँ अब तो देखवे वाहन गिट्टी सिट्टी कहाँ पता नहीं, वो ही सिकंदर हिम्मू जाँच आ रही है, अधिकारी आ रहे हैं, माफी लगी रही है, गाँव कुछ देखता नहीं रहे हैं, सुनते रहे हैं, पता नहीं कैसे कहे माए रहे हैं, क्या करे कराए। तो कैसा गड़बड़ झाला की है यहाँ ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में एक तरफा होइया संरक्षण प्राप्त है नेता मंत्री के जी, वो के कारण ही कहो को कुछ बनते नहीं आई है, वहीं से ना यहाँ सिकट्री नहीं मिला आज तक, सोच ले ये होगा रोजगार सहायक वित्तीय अधिकार फिर से दिवा दी, सिकट्री के ट्रांसफर भागी वो का तत्काल हटवाई किया, जांच भी नहीं हो रही इनकी, जाँचों को ही प्रभावित कर रहे हैं, जाँच कहाँ से हुई इनकर जी, जब पिताजी खुद है मानो जांच अधिकारी इनका लेके आवत है तो संभव है। केकर पिताजी लेके आवत है? विधायक जी के, सिमरिया विधायक, सिमरिया विधायक जी। का चाहिए थे अपना प्रशासन से? का अपील? प्रशासन से हमारी यह अपील है कि हमका न्याय चाहिए, आज उन मानो संविधान में है तो ओके हिसाब में वो हो, ये तो प्रजातंत्र के सरासर हना ना कह रहे हैं जी, ये राजतंत्र से बदतर स्थिति है जी, कि भाई पब्लिक जेका चुनी सी जेका जनमत मिला है तो वो काम नहीं कर रहा, कि काहे का चुनाव होते है काहे का ये सब ढोंग रचा थे, ऐसे नहीं तो अपने आदमी का अधिकृत कह दें तो वहाँ अपन लूटे खाए हुआ करे, आदमी स्वतंत्र घर में बैठ रहा है ना, लड़े चुनाव उनाव भाई, चुनाव लड़बे करिए, लड़के जीत के जाबे करी तो क्या करी जब काम न करे, जब काम न करे भाई, या काम इनका करे का है विधायक है मंत्री इनका, तो फिर सरपंच पंच बना इसका मतलब है। सुना आपने,
आपको बता दें कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के केवल एक ग्राम पंचायत का यह हाल नहीं है, जनता की गाड़ी कमाई किस तरह से तिजोरी में भरी जा रही है उसकी मात्र ये एक वानगी है। इसका सबसे बड़ा सबूत आप पहले उस समय देख चुके हैं जब जनपद सीईओ के ऊपर भुगतान न करने को लेकर के हमला हुआ था। वो ऑडियो आपको याद होगा, रंगौली ग्राम पंचायत से विधायक केपी त्रिपाठी के खासम खास हत्या के प्रयास के आरोपी सिद्धार्थ शुक्ला और सिद्धू के खाते में पैसा जाना ये सिद्ध करता है कि सिमरिया विधानसभा में करोड़ों का घोटाला हुआ है, जिसकी जांच निष्पक्ष हो तो ये रीवा के दूसरे मधु पोगल निकले। आइए आपको दिखाते हैं कि जिस आदिवासी महिला धोखिया के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है वो कैसे जिंदगी जी रही और उसका कहना क्या है। का नाम है अपना के? का नाम है अपना के? सरपंच रहना अपना पूर्व। तो कैसन कितनी जर्जर स्थिति है अपना के घर और के? आज जांचो रही अपना के पंचायत में ही। हाँ अपना रहन सरपंच जी बताई, देख ये हाल है, इतनी बड़ी पंचायत के सरपंच हैं, दुर्दशा। लड़का भी किया रहे सदम मर रहा, लड़का रहा पुतो कहीं है मर रहा जी, अब हो गया निधान है जी। हाँ अरे वो बिचारी की दुर्गत हो गया, जेल तक जाके आ गई है जी। बैठ जाई होगा, बैठाई ना अब जान दे। तो देखा आपने किस तरह से सरपंचों का शोषण किया जाता है। नाम मात्र के लिए सरपंची काम नेताओं के चमचे करते हैं, पैसा नेताओं के खातों में जाता है, पैसा चमचों के खातों में जाता है, और ये गरीब तबके का विकास जिसकी वोट लेकर नेता तिजोरी भर रहे होते हैं। आप वीडियो देखकर अनुमान लगा लेंगे और अनुमान लगा भी रहे होंगे कि जिस ग्राम पंचायत में 2 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ हो वह दलित सरपंच किस तरह से जीवन जी रही है। इसी का फायदा उठाया गया वो रोजगार सहायक जो विधायक की छत्र छाया में सेक्रेटरी के प्रभार में रहते हुए अपनी और अपने आका की तिजोरी भर रहा है। अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें जांच के दौरान जांच प्रभावित करने के लिए रोजगार सहायक और सज्जन सिंह के साथ उनके समर्थक पहुंचे और किस तरह से जांच अधिकारी लीपापोती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेरी बाप को हां जी भाई हां जी साहब तेरी बाप को तेरी जो बाप ये ना सही हो अरे सही अपना प्रसंग अबे हम तो ताली मिलाई बरसात अपना ना रुकी रही है हम बना ये वहाँ तक बनी जो लोग खम्भा ठेक बनाए रहे पहले तो देखा आपने किस तरह से भ्रष्टाचारी अपनी तिजोरी भर रहे हैं और पूरे मामले को दबाने के लिए किस तरह सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। यही अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। आप सोच सकते हैं कि 2 करोड़ रुपए का अगर एक पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ तो सैकड़ों पंचायतों में किस तरह का और कितना भ्रष्टाचार, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा। जनपद से लेकर पंचायतों तक किस तरह से गरीबों के हक में डाका डाला जा रहा है। आइए अब हम आपको सुनाते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल बानखेड़े को, जिनके द्वारा जांच टीम गठित की गई थी और उनका पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। हेलो हेलो सर नमस्ते, रामानंद पांडे बोल रहा हूँ, विराट 24। सर एक्चुअली में ये सिमरिया सिरमौर विधानसभा सिरमौर जनपद में ये रगौली है गांव, जहाँ एक आपने आपको शिकायत मिली थी ग्राम पंचायत की और आपने जांच टीम गठित की थी, कल उसका जांच भी हुआ, जांच टीम पहुंची थी। हाँ। लेकिन उसमें वहाँ के लोग कहना था कि जो विधायक है सिमरिया केपी त्रिपाठी उनके पिताजी खुद जांच टीम को लेके गए, एक वीडियो भी हमारे पास भेजा है और वहाँ बैठ के उन लोग कह रहे हैं कि देख लेना ये अपने आदमी है। तो सर ऐसे में जांच टीम उन्हीं के घर जिनकी जांच कर रहे हैं उनके यहाँ पहुँच? मैंने जो जांच टीम के लिए जो आदमी लगाया वो आरएएस का लगाया और वो भी नई रायपुर वाले यही लगाए, मैंने वहाँ की यही लगाई नहीं है। एक तो, गए थे लेकिन सिरमौर से ही दो गए थे, करुण पांडे गए थे सिरमौर से गए होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन हमने जो टीम लगाई थी वो रायपुर की लगाई ना जी, रायपुर की टीम सिरमौर में जाके जांच की है जी, तो वो कौन साथ में आता है नहीं आता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। और निखिल मिश्रा है जिसको हमने जांच दी थी वो बहुत ही अच्छा इंजीनियर है, डायरेक्ट इंजीनियर है जी,
एसडीओ है आरएस का, वो तो कोई दिक्कत नहीं है उनका, क्योंकि आपके आपके द्वारा उनको ऐसा लगा कि न्याय मिलेगा, जांच टीम गठित हुई है, जांच हुई तो उनको ऐसा लगा कि लग रहा है लोगों की खुद आए अपने साथ में लेके आ रहे हैं, बैठे चाय नाश्ता की और बोले कि देख लेना अपने आदमी है, तो ऐसा तो नहीं कि जांच प्रभावित नहीं है। अरे जिसको जो बोलना है बोलना है, तो जांच रिपोर्ट तो अच्छी आएगी, गलत जांच रिपोर्ट कैसे आएगी, जो हुआ है वो उनसे बोलने से क्या है, वो सब लोग जो भी जिसको जो प्रयास करना है करे, अगर उसमें खराबी होगी काम में या जांच में गड़बड़ी पाई गई तो वो तो निकाल ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चाहे वो जो चाय पिलाना पिलाओ, बोलना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमने बाहर का आदमी लगाया ताकि जांच अच्छी हो पाए। हाँ बिल्कुल, वास्तविकता जो है किसी पर आरोप भी लगे तो कम से कम उसकी सत्यता जांच हो जाती है, सामने आ जाएगी काम हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या मौके पर जाकर तो गलत आदमी का कोई साथ नहीं देगा बाद में, पकड़ने तक की बात है, एक बार पकड़ा जाएगा तो गलत आदमी का कोई साथ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, ठीक है सर, ओके थैंक यू। तो सुना और देखा आपने कि किस तरह से विधायक का परिवार सिमरिया के विकास में दिन रात पसीना बहा रहा है, कहीं अवैध क्रशर तो कहीं फर्जी भुगतान, तो कहीं फर्जी विधायक ने दी, तो कहीं गुंडई और निर्दोषों के खिलाफ लगातार झूठे मामले, यही है सिमरिया का विकास। बस आमन मामा की धरती में किस तरह से दलितों का शोषण कर तिजोरी भरी जा रही है, ये देखने वाली बात है। और सबसे बड़ा सवाल कि ये भ्रष्टाचार लगातार कब तक जारी रहेगा। फिलहाल अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।